छोटा शेर सुन ले। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, अपनों से तो गैर ही अच्छे, घर का भेदी लंका खाए। मतले से पहले ये हमारे यूनुस भाई का इंतखाब है जो चार मिसरे पेश कर रहा हूं। मेरे मोहसिन हो, ऐसा कोई नहीं है, मेरा भाई सामने बैठा है। ये हर किसी का एक ना एक रकीब, एक ना एक दोस्त होता है, लेकिन आजकल हाँ इसी के लिए पढ़ रहा हूं। हाय हाय चश्मा लगा के कैसा लग रहा है तेरे भगवान। मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, आज के दौर में जीने की दुआ मत देना, अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, दोस्ती करना मगर घर का पता मत देना। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, वो दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। सुना बेटे हैं आपके, ये हमारे भाई हैं, वकील भाई के बेटे हैं। भाई मतला नजर कर रहा हूं। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। आप मुझसे भी पर्दा करें, आप मुझसे भी पर्दा
किसी का भरोसा नहीं। जो चांद चांद तुझे कह के सर चढ़ाता है, हमेशा ऐसा होता है ना यार, तू तो मेरा भाई है, मेरा चांद है, मेरा दोस्त है, तू सब कुछ है। जो चांद चांद तुझे कह के सर चढ़ाता है, वो बादलों के कुएं में तुझे गिरा देगा। तू अपने आप को पहचानने की कोशिश कर, यही ख्याल तुझे आदमी बना देगा। यूसुफ भाई, भाई तू अपने आप को पहचानने की कोशिश कर, क्योंकि जरा सी देर की झूठी चमक धमक के लिए कभी उसूल का सौदा नहीं किया मैंने। हजार मुश्किलें आई मगर तुम्हारी तरह किसी भी यार को धोखा नहीं दिया मैंने। मैं चाहता तो बुलंदी पे जा भी सकता था, तमाम शहर की नींदें उड़ा भी सकता था, अगर जमीर ना होता तो मैं तुम्हारी तरह उसूल तोड़ के पैसा कमा भी सकता था। वकील भाई, एक चार मिसरे आपकी भी नजर कर रहा हूं। यूसुफ भाई ने नवाजा, बहुत शुक्रिया। क्या जरूरी, दोबारा, जो चांद चांद तुझे कह के सर चढ़ाता है, वो बादलों के कुएं में तुझे गिरा देगा। तो अपने आप को पहचानने की कोशिश कर, यही ख्याल तुझे आदमी बना देगा। जरा सी देर की झूठी चमक धमक के लिए कभी उसूल का सौदा नहीं किया मैंने। हजार मुश्किलें आई मगर तुम्हारी तरह किसी भी यार को धोखा नहीं दिया मैंने। मैं चाहता तो बुलंदी पे जा भी सकता था, तमाम शहर की नींदें उड़ा भी सकता था, अगर जमीर ना होता तो मैं तुम्हारी तरह उसूल तोड़ के पैसा कमा भी सकता था। लेकिन मैं कैसर भाई, इरफान भाई और उनकी तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ। शेर सुने, क्या जरूरी, चादर में जो आप लोगों ने पैसे दिए हैं, 13,073 रुपए आप लोगों ने नवाजा है, मैं शुक्रगुजार हूं। क्या जरूरी है हर रात में चांद तुमको मिले जाने जान, ये जुगनुओं से भी निस्बत रखो, जुगनुओं से भी निस्बत रखो, चांदनी का भरोसा भाई।
सबसे ज्यादा मकबूल जो शेर हुआ है इसका वो ये वाला है, यूसुफ भाई, वकील भाई, इरफान भाई, ये शेर नजर कर रहा हूं। हम जितने लोग बैठे हैं पूरी जिंदगी स्टार्ट टू एंड, ये मोहम्मद इरफान, मोहम्मद रफीक, इश्तियाक अहमद साहब और कमरुद्दीन साहब सामने तशरीफ फरमा है, और तमाम ऑडियंस पूरी जिंदगी ये सोचते हैं कि आज अगर हम मोटरसाइकिल खरीद लें तो कल कार खरीदें, कार अगर ऐसी खरीदी सेंट्रो खरीदी तो हम इनोवा खरीदें, BMW खरीदें, आज छोटा घर बनाया कल बड़ा घर बनाएं, यानी पूरी जिंदगी इंसान इसी में मुलव्विस रहता है। मैं कई महीने से अपनी कमर की बीमारी में मुब्तला हूं लेकिन गा रहा हूं, बहुत सारी परेशानियां हैं लेकिन स्टेज पर हूं, क्योंकि ये इंसान की फितरत है। बट आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अब किस लिए कर रहे हैं हम, कि हमारी जिंदगी सुधर जाए, जिंदगी अच्छी हो जाए, हम ऐश के साथ जिंदगी गुजारे। लेकिन होता क्या है, जरा ये शेर समाप्त फरमाए, हल्का बजाना। रात दिन, बड़ा इबरत का शेर है अल्लाह की कसम, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, वो रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, ये कितने दुख जिंदगी के लिए, कितने दुख जिंदगी के लिए, और इसी का भरोसा नहीं, बेटा तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, तेरी खता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम था तेरे लहजे में आ गया, और सिक्का उछाल करके तेरे पास क्या बसा बचा, तेरा गुरूर तो मेरे कासे में आ गया। होने तो बहुत ले लिया कमेटी से मैंने, मोहब्बत के हैं तो इस पे भी सुन। मुस्कुराते हुए मंजर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं, बेसबब हमको दबाने की ना कोशिश करना, हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। और बेटा हमसे दीवाने ठहर जाएं अगर साहिल पर, जितने मोती हैं समंदर से निकल आते हैं। मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल कंप्लीट है, तो तुम्हारी और तुम्हारी क्या है, तो तुम्हारी मेरी उम्र को मद्देनजर रखते हुए यूसुफ भाई एक मिसरे सुना रहा हूं इसको, कि इतना मजबूर ना कर बात बनाने लग जाएं, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब एक आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं, और मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, जितने लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं। नजर कर रहा हूं, कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको
इस खुशी का भरोसा नहीं। शब्बीर साहब ने और भाइयों ने मेरे दोबारा फरमाइश की है, बड़ी ही शान से रहते थे लोग जिसमें कभी, उसी मकान में अब मकड़ियों का जाला है। बहुत गुरूर है तुझको तो अपनी दौलत पर, इसी गुरूर ने कितनों को मार डाला है। फिर तुम्हें वहां से आने में वक्त लगेगा, एक शेर सुन लो। आप तो हैं, सुनना, मुझे यकीन था कि इंशाल्लाह आप लोग ऐसा ही सुनेंगे। यूसुफ भाई यहां आ गए उठ के, ये बड़ी बात है हमारे लिए। आप तो हैं, ये हमारे इरफान भाई, रफीक भाई, इस्तखार साहब और कमरुद्दीन भाई, तमाम लोग खड़े हैं। आप तो हैं बहुत खूब तर, आप तो हैं बहुत खूब तर, लग न जाए किसी की नजर। सबसे प्यारा इसका मख्ता है, इंशाल्लाह इस शेर के बाद आओगे। यूसुफ भाई, वकील साहब जहां भी हैं, पूरी कमेटी तवज्जो दे। देखिए मख्ता ऐसा है, आसिम मियां, कि इंसान की जिंदगी से रिलेटेड है ये। एक नई रदीफ सुने के तंगिये रिस्क से हलकान रखा जाएगा क्या, दो घड़ी का मुझे मेहमान रखा जाएगा क्या,
तुझे खोकर तो तेरी फिक्र बड़ी लाजिम है, तुझे पाकर भी तेरा ध्यान रखा जाएगा क्या। और मान भी लें कि तुझे मैंने बहुत चाहा है, दोस्त सर पे मेरे कुरान रखा जाएगा क्या। एक मोहब्बत होती है कि इंसान अपना हमराज हुजूर मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्ला वजुल करीम फरमाते हैं कि दोस्त भले ही कितने बनाओ लेकिन हमराज किसी को मत बनाओ, क्योंकि ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। मेरा हमराज है तो हो सकता है तुम्हारा भी हो, तुम्हारा है तो उसका उसका भी हो, तो ये तरीके चलते रहते हैं। इसीलिए ये मतला नजर कर रहा हूँ मख्ता। कोई भी शक्ल मेरे दिल में उतर सकती है, एक रिफाकत में कहां उम्र गुजर सकती है। तुझसे कुछ और ताल्लुक भी पुराना है मेरा, ये मोहब्बत तो किसी रोज भी मर सकती है। मेरी ख्वाहिश है कि फूलों से तुझे फतेह करूं, वरना ये काम तो तलवार भी कर सकती है। तवज्जो दें भाई। पत्थरों से हकीकत है, पत्थरों से कहो राज़े दिल ये न देंगे दगा। शख्स मुझे ताना ए जान देता है, मरने जाता हूं तो मरने भी कहां देता है, और तेरी शर्तों पे अगर करना है तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। पत्थरों से कहो राज़े दिल ये न देंगे तगाफ को, ऐ नदी माज के साइलेंट चाहिए मुझे। एक नजम सुना रहा हूं जिसका उनवान है पत्थर। सुनने वाली बात है। आमिर मियां शुक्रगुजार हूं। पत्थरों से कहो राज़े दिल ये ना देंगे दगा आपको, सिर्फ दो मिनट की नजम है। इरफान भाई इस्तगार साहब, मेरे महबूब मुझे शौक से पत्थर कह लो। कैफी आजमी साहब, सैफी आजमी साहब के बड़े भाई हैं, वो कहते हैं कि मेरे महबूब मुझे शौक से पत्थर कह लो, मैं तो पत्थर को भी भगवान कहा करता हूं। बेरुखी होती है महबूब से जो पहलो पहल, मैं उसे प्यार का उनवान कहा करता हूं। वो भी पत्थर है कि फुटपाथ के तामीर में जो टुकड़े टुकड़े अगर होते हैं तो काम आते हैं, उन्हीं फुटपाथ से तो सोते हैं लिपट कर मजदूर, दो घड़ी के लिए आराम जहाँ पाते हैं। वो भी पत्थर है कि आज़र के कलम से जिसने किसी माशूक की तस्वीर बनाई होगी, वो भी पत्थर है के शिव बन के जिन्होंने कितने पूजने वालों की तकदीर बनाई होगी। वो भी पत्थर है पड़ी जिससे बिनाई काबा, वो भी पत्थर है जिसे काबे का झूमर कहिए, संगे अस्वद को तो महबूब खुदा ने चूमा, क्यों ना उसको मेरी तकदीर से बढ़कर कहिए, संगे अस्वद तो बड़ी चीज है उसकी क्या बात, काश मैं भी किसी फुटपाथ का पत्थर होता, किसी मजदूर को आराम तो मैं दे सकता, आज के दौर के इंसान से बेहतर होता। किश्क की आग है पत्थर में भी पिनहा सैफी, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे दिल पर कहना, मेरे महबूब तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम, आज के दिन से हमेशा मुझे पत्थर कहना।
सारा सिम बढ़ा